हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाई स्कूल की मैथ में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, तो क्या लिखा है ये? अनुपातों a1 / a2, b1 / b2 तथा c1 / c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण, ठीक है, समीकरणों के युग्म संगत हैं अथवा असंगत। ठीक है, संगत हैं या असंगत हैं। तो फर्स्ट जो समीकरण है, फर्स्ट समीकरण युग्म जो है वो है 3x + 2y = 5, यानी 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ठीक है, तो ये समीकरण युग्म है। अब हमें बताना है ये संगत है अथवा असंगत। तो संगत अथवा असंगत ज्ञात करने के लिए हमको कुछ कंडीशंस याद होनी चाहिए। जैसे जब दोनों समीकरणों के अनुपात की तुलना करेंगे तो जो a1 / a2 होगा वो यदि b1 / b2 के बराबर ना हो, ठीक है, यानी ये दोनों रेशियो, पहले वाले दोनों रेशियो अगर जो आपस में बराबर नहीं है तो क्या होता है, रेखाएं, ठीक है, तो क्या होता है, जो इन समीकरण युग्म से जो रेखाएं बनेंगी वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी ग्राफ पर, है ना। जैसे जब ग्राफ बनेगा इन रेखाओं को तो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो जब क्रॉस करेंगे तो इनका एक अद्वितीय हल होगा, और जब एक अद्वितीय हल होगा दूसरी को हम कहेंगे संगत है। यानी संगत होने का मतलब क्या होता है, रेखाओं का, समीकरणों का हल निकलना चाहिए। तो इस कंडीशन में तो इनका एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, जब a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, यानी तीनों रेशियो, ठीक है, ए बी सी, फर्स्ट वाले के और सेकेंड वाले के, ए बी सी, ये तीनों का रेशियो आपस में बराबर होता है तो क्या होता है, रेखाएं उस समय संपाती होती हैं। संपाती का मतलब रेखाएं जो है ना, एक रेखा दूसरे एक रेखा के ऊपर से गुजरती है, दोनों रेखाएं ऊपर नीचे हो जाती है इस प्रकार से। तो जब संपाती हो जाएंगी तो भी इनके अनेक हल होंगे, और जब अनेक हल होंगे तो कुल मिला के हल तो निकलेंगे ना, तो जब हल निकल रहे हैं तो भी ये क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक है, तो बाकी जो असंगत की कंडीशन है वो क्या है, किसी भी रेखा को असंगत होने के लिए क्या चाहिए, यानी जो समीकरण युग्म है ये असंगत कब होंगे, जब इन रेखाएं, इन समीकरणों के द्वारा बनाई गई रेखाएं जो है वो समांतर होंगी। तो समांतर कब होती है, जब ये कंडीशन होती है a1 / a2 = b1 / b2 but not equal to c1 / c2, जब ये कंडीशन बनेगी तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, असंगत हो जाएंगी। ठीक है, यानी जो समीकरण होगा, समीकरणों का जो युग्म होगा वो असंगत होगा, और रेखाएं क्या करेंगी, समांतर हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी ग्राफ में, जब ऐसे बनाओगे तो इस प्रकार से रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम इसका कंपेरिजन करेंगे जो रैखिक समीकरण होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ a1 = 3 और b1 = क्या हो जाएगा, देखो x के आगे a के स्थान पर क्या है, 3 लिखा हुआ है ना। देखो रैखिक समीकरण होता क्या है, मानक रैखिक समीकरण होता है ax + by + c = 0। ठीक है, इस हिसाब से जब इसकी तुलना करोगे इसके हिसाब से, तो यहाँ पे x के आगे देखो a है, तो फिर यहाँ पर क्या माना जाएगा, 3 माना जाएगा, तो a1 = 3 हो गया। और b के हिसाब से देखिए तो 2 है, तो b1 = कितना हो गया, 2 हो गया। अब c इसमें इधर लिखा है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहो तो आप इसको इधर भी ला सकते हो, है ना। तो c1 = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से a2 = इसके हिसाब से देखो तो a2 = 2 हो गया, और b2 = कितना हो गया, -3 हो गया, और c2 = क्या हो गया, 7 हो गया। तो क्योंकि a1 / a2 = यानी a1 / a2 = क्या हो गया, 3/2। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, b1 / b2 = -, देखो ये माइनस लगेगा ना इसमें, तो ये हो जाएगा 2/-3, और इधर हो गया c1 / c2 = 5/7, यानी 5/7। अब देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट वाले दो है ना ये कितना है, 3/2 है, और सेकेंड वाला कितना है, -2/3 है, तो क्या ये आपस में बराबर हैं, नहीं है ना। तो ये वाले जब आपस में बराबर नहीं, यानी फर्स्ट रेशियो का मान और सेकेंड रेशियो का मान आपस में बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, इसलिए a1 / a2 = b1 / b2,
यानी फर्स्ट वाली कंडीशन जो है ना यहाँ पे फॉलो हो रही है ये वाली, तो क्या होगा इन समीकरण युग्म से, इस समीकरण युग्म से जो रेखाएं बनेंगी वो क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और जब प्रतिच्छेद करेंगी तो इनका एक अद्वितीय हल होगा, इसलिए हम कह सकते हैं अतः समीकरणों का युग्म संगत है, समीकरणों का युग्म संगत है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो इसका सेकेंड पार्ट है 2x-3y = 8 और 4x-6y = 9। तो जब इसका कंपेरिजन करोगे आप रैखिक समीकरण से, रैखिक समीकरण मानक समीकरण क्या होता है, ax+by + c=0। ठीक है, इसके हिसाब से जब इसका कंपेरिजन करोगे तो a1 बराबर क्या आएगा, a1 बराबर देखो एक ही स्थान पर 2 है, 2 आएगा। b1 बराबर क्या आएगा, -3 आएगा। और c1 बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से a2 बराबर क्या आएगा, 4। और b2 बराबर क्या आएगा, -6। और c2 बराबर क्या आएगा, कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा है। ठीक है, तो अब इनका जब कंपेरिजन करो, देखो यहाँ पे क्या है, a1/a2 = 2/4 इधर हो गया, इसको डिवाइड कर लोगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 बराबर क्या बना, 1/2 बना। ठीक है, इसी प्रकार से b1/b2 = क्या हो गया, -3/-6। अब 3 से डिवाइड करो, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6 बराबर हो गया 1/2। माइनस माइनस भी हट जाएगा, दोनों तरफ है। इसी प्रकार से हो गया c1/c2 = 8/9। अब क्या है ये वाली, इसमें देखो ये जो फर्स्ट है ना 1/2, ये किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, बट इन दोनों का जो मान है ये तीसरे वाले के बराबर नहीं है, है ना, यानी कितना है 8/9 है, तीसरे वाले के बराबर क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी बनी, a1/a2 = b1/b2 but not equal to c1/c2। ठीक, यानी थर्ड वाली कंडीशन फॉलो हो रही, यानी यहाँ पे जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी, और जब समांतर होंगी तो रैखिक समीकरणों का जो युग्म है वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अतः रैखिक समीकरणों का युग्म, रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है, असंगत है। ठीक है, ओके, असंगत है। तो अब देख लेते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या लिखा है, 3/2x यानी 3/2x + 5/3y = में कितना है, 7 है। 9x-10y = में कितना है, 14 है। अब यहाँ पे देखो जो समीकरण फर्स्ट है ना उसमें दो नंबर आए हैं और ये भिन्न के रूप में है, यानी ठीक है ये भिन्न के रूप में नंबर लिखे हैं, इनको हमें कंप्लीट नंबर बनाना है। तो क्या करते हैं, पहले जो फर्स्ट समीकरण है इनको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, यानी इस समीकरण को थोड़ा इजी वे में लिख लेते हैं, ठीक, आसान करके। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट को सरल करने पर, समीकरण फर्स्ट को सरल करने पर, इसको थोड़ा सरल करो, तो पहले तो इसको लिख लो एज इट इज। ठीक है, 2 3/2x + 5/3y = में कितना लिखा है, 7 लिखा है। अब क्या करेंगे, जो ये भिन्न है ना, भिन्न का जोड़ आता है तो इसको उसी प्रकार से जोड़ लीजिए, यानी दोनों का एलसीएम 6 होगा, दोनों का एलसीएम 2 और 3 जो हर है इनका एलसीएम 6 होगा, दोनों के स्थान पर हमको 6 बनाना है नीचे, तो इसमें 3 से गुणा कर लेंगे, इसमें दोनों तरफ 2 से गुणा कर लेंगे, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9x और +5 × 2 = 10y बटे कितना हो गया, 6 हो गया, बराबर कितना है, 7। तो ये हो जाएगा 9x + 10y = 6×42, 7, 6 = 42। ये समीकरण फर्स्ट हुआ, ठीक। और सेकेंड वाला कितना था, यही इसी के पास लिख लो, 9x-10y = हो गया कितना, 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा a1 = देखो a1 = 9 हो गया, और b1 = क्या हो जाएगा, जब इसका कंपेरिजन करोगे ना तो यहाँ a1 = क्या हो जाएगा, 9, और b1 = हो जाएगा 10, और c1 = क्या हो जाएगा, 42। इसी प्रकार से a2 = क्या हो गया, 9, b2 = क्या हो गया, -10, और c2 = क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो a1/a2 = क्या हो जाएगा, 9/9, और कामा b1/b2 = 10/10। 10 माइनस नीचे था, चाहे नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है, माइनस
यहाँ पर भी लगाओगे तब भी वही बात रहेगी, ऊपर लगाओगे तब भी वही बात रहेगी। और इधर सी वन अपान सी टू बराबर क्या हो गया, 42/14, तो 9 9 कट गया। और इधर क्या कट गया, 10 10 कट गया है ना, तो क्या बचा, इधर एक बचेगा और इधर एक माइनस का बचेगा, यहाँ पे क्या बचेंगे, 3। तो क्या हुआ, एक पहले तो एक है ना सॉरी एक ये हो गया, और ये क्या, ये माइनस एक है, तो क्या देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये प्लस का एक है ये माइनस का एक है ना, ये जो है ये प्लस का एक है और ये माइनस का एक है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, है ना। यानी रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा, जो समीकरणों का युग्म है वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो लिख दो आगे, अतः समीकरणों का युग्म संगत है। ओके, तो इसके पार्ट नंबर फोर्थ को भी देख लेते हैं ना, ये फोर्थ पार्ट है इसी थर्ड वाले सवाल का, थर्ड वाले क्वेश्चन का। क्या लिखा है, 5x-3y=11, -10x and +6y = -22। ठीक है, क्या हुआ, 5x-3y = 11, -10x+6y = -22। अब इसका आप जब कंपेरिजन करेंगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, b1 बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और c1 बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से a2 बराबर क्या हो गया, -10 हो गया, b2 बराबर क्या हो गया, 6, और c2 बराबर क्या हो गया, -22 हो गया। ठीक, इतना क्लियर। अब यहाँ पे क्या बना प्रतिबंध, a1 upon a2 = 5 upon -10, 5/-10। ठीक, इसको डिवाइड करो, 5 1 5, 5 2 10 कितना हो गया, -1/2। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, b1 upon b2 = क्या हुआ, -3/6, इसको भी डिवाइड करो, 3 1 3, 3 2 6 क्या हो गया, -1/2। अब जो सी वाला पार्ट है इसको नीचे लिख लेते हैं, c1 upon c2 = क्या हो गया, 11/-22, इसे भी डिवाइड करेंगे तो 11 1 11, 11 2 22 बराबर क्या बचा, -1/2। इसका मतलब क्या है कि तीनों मान जो है ना, क्योंकि तीनों मान जो है कितने आ रहे हैं, 1/-2 आ रहे हैं, तो तीनों को ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि 1/-2 = 1/-2 और बराबर 1/-2। ठीक है, तो जब तीनों बराबर हैं तो प्रतिबंध का क्या हो गया, इसलिए a1 upon a2 = b1 upon b2, यानी तीनों बराबर है ना, a1 upon a2 = b1 upon b2 और बराबर c1 upon c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं जो होती है ना समीकरणों के युग्म द्वारा, वो संपाती होती हैं, और इनके अनेक हल होते हैं। समीकरणों का युग्म क्या लिखना है, अतः समीकरणों का युग्म जो है ना वो क्या है, संगत है, संगत है। ठीक है, तो ये है इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं ना। फर्स्ट समीकरण में देखो क्या लिखा है, 4x कितना है, 4/3x और +2y = 8, और यह है 2x+3y, ठीक है, बराबर में 12। तो ये भी एक भिन्न है, इसको हम पहले आसान कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो लिखो यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट को सरल करने पर, इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा, सरल करने पर समीकरण फर्स्ट को सरल करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लो इसको, 4/3x+2y = 8 लिखा है। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो भिन्न, ये तो कंप्लीट नंबर है, इसको भिन्न बनाने के लिए इसके नीचे एक मान सकते हो ना, एक जो हर होता है हर संख्या के नीचे होता है, हर संख्या का हर जो है ना वो एक ही होता है, कोई भी संख्या हो, जैसे 5 लिखा है तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, इसी प्रकार से 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं। अब इसका हर बराबर करने के लिए इसमें दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6, नीचे कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 4x+3 2 6y, और अब दोनों का हर हो गया 3, बराबर कितना हो गया, 8, तो 4x+6y = क्या हो जाएगा, 8 × 24, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और जो सेकेंड वाला लिखा है ना वो लिख लो, इसी के पास कितना है, 2x+3y = 12, समीकरण सेकेंड। अब इसका कंपेरिजन करो, तो यहाँ जब कंपेरिजन करोगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा निकल के, 4, और b1 बराबर क्या मिलेगा, 6, और c1 बराबर क्या मिलेगा, 24। इसी प्रकार से a2 बराबर क्या हो गया, 2, b2 बराबर क्या हो गया,
तीन और सी टू बराबर क्या हो गया 12, और जब इनका कंपेरिजन करोगे तो ये तो हो गया ना 4/2, 6/3 और 24/12, तो ए वन अपान ए टू बराबर क्या हो जाएगा 4/2 कामा बी वन अपान बी टू बराबर हो जाएगा 6/3 एंड सी वन अपान सी टू इक्वल टू 24/12। ओके, इसको कट कर लेंगे हम, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24, तो कुल मिला के क्या हुआ इधर का, इसका मान क्या हुआ, ए वन अपान ए टू का मान 2 हुआ और बी वन अपान बी टू का मान 2 हुआ, और इसी प्रकार से सी वन अपान सी टू का मान कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, तो प्रतिबंध कौन सा बना, ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू। ठीक है, तीनों कंडीशन बराबर हैं, तीनों रेशियो बराबर हैं, इसका मतलब कि जो रैखिक समीकरण है ना वो क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। ठीक, देखो इस कंडीशन में जो रैखिक समीकरण होता है उसके द्वारा जो बनाई गई रेखाएं होती है ना वो संपाती होती हैं, और जब संपाती होती हैं तो उनके अनेक हल होते हैं, और जब अनेक हल हैं कुल मिला के हल तो निकल रहे हैं, तो रेखाएं जो समीकरण युग्म है वो क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। असंगत किस कंडीशन में होते हैं, जब समीकरणों द्वारा बनाई गई रेखाएं समांतर हों। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।